नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कमाल है यार। मेरे इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही कि भारत नेपाल की यहाँ पे सोमवार को हुई मीटिंग और उसमें लिए गए कुछ अहम फैसले, कुछ अहम मुद्दों पर की गई चर्चा। तो क्या चर्चा की गई पूरी हम खबर करेंगे यहाँ पर, तो वीडियो के अंत तक बने रही। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि किन किन के बीच हुई सोमवार की बैठक की अध्यक्षता है वो वाणिज्य सचिव अनूप भगवान ने की और उनके नेपाली समक्ष बेंकुंट आर्यल्ले ने की थी। और दोनों पक्षों के विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था। और काठमांडू ने मई में एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया था और जिसमें कालापानी क्षेत्र में भारतीय क्षेत्र का क्षेत्रों पर दावा किया गया था कि ये नेपाल के हैं। भारत में मानचित्र को अस्वीकार कर दिया गया और दोनों पक्ष एक दूसरे के संवेदनशीलता का सम्मान करने और मौजूदा तंत्र के लिए सीमा मुद्दों को संभालने के लिए श्रृंगाल की यात्रा के दौरान सहमत भी हुए थे। इसी के चलते हुए दोस्तों ये मीटिंग में इन मुद्दों पर चर्चा की गई और ये भी कहा गया कि प्रदीप ग्यावली अभी जाने वाले हैं, उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए, उनकी यात्रा की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा दोस्तों कि जो सीमा पर सटे हुए गाँव हैं उनके, वहाँ पर जो व्यापारी वर्ग हैं उनका जो कारोबार चल रहा है जिसमें हमारी सरकार को भी बहुत सारा फायदा होता है, तो उनके ग्रोथ के लिए हमें सीमाएँ खोलनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा दोस्तों कि जो गैर सरकारी और सरकारी हमारे कार्य प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए और वो करने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये भी थी कि जो यहाँ पे सीमा पर हमारे सैनिक हैं उनके विकास के बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा सोचना चाहिए और उनकी जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पर भारत नेपाल के जो दोनों की सेनाएँ हैं वो मिलकर करें तो ज़्यादा बेटर होगा। ये बहुत बड़ी खबर थी दोस्तों कि जब भारत और नेपाल दोनों के सैनिक यहाँ पे मिलकर कोई ट्रेनिंग लेंगे तो दोनों के जो टिप्स और ट्रिक्स हैं वो आपस में आदान प्रदान किए जाएंगे, तो नेपाल के सैनिकों को भी बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा और भारत के सैनिकों को भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों ये भी कहा कि दोनों देश भले ही यहाँ पर एक बार तकरार में आ चुके हैं सीमा विवाद को लेकर, लेकिन अभी भी हम यही आशा करते हैं दोनों सरकारों से कि संतोषजनक इस जो कार्य चल रहा है उसको निपटाया जाए और विकास के कार्य को यहाँ पे आगे बढ़ाया जाए ताकि दोनों देशों की उन्नति हो सके। जी हाँ दोस्तों, ये थी पूरी खबर। अगर आपको खबर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।